डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब शरीर में जरूरी इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता या फिर शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाता है। ऐसे में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज का इस्तेमाल शरीर की एनर्जी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इंसुलिन नहीं बन पाता है तो शरीर ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाता है और ये खून में ही रहता है। इस कंडीशन में ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। डायबिटीज कई अन्य गंभीर बीमारियों को भी न्योता देता है। ये आंखों, किडनी और दिल के रोगों का कारण बनता है। डायबिटीज हार्ट फेलियर का भी एक कारण बन सकता है। ऐसे में डायबिटीज रोगियों को अपना ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए अच्छी डाइट और जरूरी लाइफस्टाइल को फॉलो करना बेहद जरूरी है। ज्यादातर डायबिटीज रोगियों के मन में सवाल होता है कि वो रात में गेहूं की रोटी खा सकते हैं या नहीं, तो आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गेहूं की रोटी में कार्ब्स और शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। वैसे तो डायबिटीज रोगियों के शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए कार्ब्स लेना जरूरी होता है, लेकिन आपको गेहूं की रोटी से कार्ब्स लेने से बचना चाहिए। यानी डायबिटीज रोगियों का रात के वक्त गेहूं की रोटी से परहेज करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर डायबिटीज रोगी गेहूं की रोटी खाना भी चाहते हैं तो इसके साथ पनीर या मूंग की दाल का सेवन जरूर करें। इससे डायबिटीज रोगियों को काफी लाभ मिलेगा। डायबिटीज में गेहूं की रोटी खाने के नुकसान क्या क्या हैं? गेहूं की रोटी में शुगर होता है, इससे शुगर लेवल बढ़ता है। गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा होते हैं। अगर आप गेहूं की रोटी खाएंगे तो इससे दिक्कत बढ़ सकती है। हालांकि आप गेहूं के आटे में बेसन मिलाकर रोटी खा सकते हैं। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होता है जो शुगर लेवल को बढ़ाता है। डॉक्टर्स का मानना है कि डायबिटीज रोगियों के लिए जौ के आटे की रोटी बेहद फायदेमंद होती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है तो गेहूं के बजाय जौ के आटे की रोटी खाएं, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आप चाहें तो बेसन की रोटी भी खा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।